मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि पिछले 3 महीने से, 3 साढ़े 3 महीने से इंडिया में जेल का क्या हाल है, और उसका जो हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो 68 डे के लॉकडाउन जो हुआ इंडिया में, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया गया बहुत ज्यादा डेलिबरेटली, और उसका इस्तेमाल बहुत ही सोचे समझे तरीके से डिसेंटर्स और प्रोटेस्टर्स के पीछे उनको उनकी डिसेंट को क्वेल करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए इस लॉकडाउन का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। अगर मैं थोड़ा पहले जाऊं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो असेंशियल सर्विसेज घोषित की गई थी उसमें लीगल सर्विसेज को असेंशियल नहीं कैटेगराइज किया गया। उसके चलते क्या हुआ था कि हमारे देश में सारे कोर्ट ऑलरेडी बंद थे, वर्चुअल कोर्ट्स बनाने की बात हुई थी, मगर बार काउंसिल ने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में कई कई दफे चिट्ठी लिखी है ये कहने के कि 95% जो देश में क्रिमिनल लॉयर्स हैं वो ऑनलाइन चीजें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बंद है। इसका मतलब आप ये समझ लें कि 95% से ज्यादा क्रिमिनल वर्चुअल कोर्ट्स जो है वो चल नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां थी। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस होने की तैयारी थी, उसके 5-6 दिन पहले दमदम जेल एक है, दमदम जेल में दंगे हुए थे, और उसमें जो है 2-3 लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि ये अनाउंस किया गया था कि अब ना तो आप की जो है बेल पिटिशन सुनी जाएगी जब तक लॉकडाउन चलेगा, ना ही आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। तो इसके चलते लोग अंदर विचलित हो गए थे। और जेल में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया की जो जेल है उनका ऑक्यूपेंसी रेट 114% है, यानी कि जो उनकी मादा है उससे बहुत ज्यादा आगे, और हमारे यहाँ जो अंडर ट्रायल्स है वो 68% है। तो आप समझिए कि 68% लोगों का मुकदमा चल रहा है, ये भी नहीं पता है कि वो सजा पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इतने सारे लोग अंदर है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, उस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब जैसे अब इसको इसका कनेक्शन हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिसेंट को रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल हुआ, जैसे कि नंदिता जी ने बताया था खालिद सैफी की बात आई थी। खालिद सैफी एक बिजनेस चलाते हैं दिल्ली में, और खुरेजी जो प्रोटेस्ट साइट था दिल्ली में, वहां से उनको 26 फरवरी को उठाया गया था। उठाने के बाद अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के लगभग 3 हफ्ते बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई, तो आप देखेंगे कि एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें उनके पैर टूटे हुए थे, वो व्हील चेयर पे थे। मगर जब वो अरेस्ट हुए थे 3 हफ्ते पहले, जो उसका वीडियो था उसमें ठीक ठीक वो चल रहे थे। उसका मतलब ये पता चलता है कि कस्टडी के दौरान उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, पुलिस ने उनको टॉर्चर किया और उनके दोनों पैर तोड़ दिए। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसके बाद ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए कि आप घर में जो एक दफे फोन कर पाते हैं, आपको फोन करने की आजादी नहीं है क्योंकि लैंडलाइन से ही फोन कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस दौरान बहुत सारे लोगों को जो अरेस्ट किया गया, अभी कुछ ही 2 मिनट में मैं उनके नाम गिनाती हूँ आपको, जो भी एक्टिविस्ट, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको वो ना तो घर पे कोर्ट बात कर पा रहे हैं, ना ही उनको अपने पसंद का लॉयर मिल रहा है, यानी लीगल एक्सेस भी नहीं मिल रहा है। तो यानी कि पुलिस अगर आपको पकड़ के लेके, आप वकील नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जवाब आपको आपको उनपे इतना भरोसा है कि वो अपना आपकी बात साफ 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 रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, या आप आपकी वो सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं या आपकी तरफ से बात कर रहे हैं, ये गारंटी नहीं है। तो आधे से ज्यादा लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं उनको लीगल एड नहीं मिल रहा है। आप इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जब खालिद सैफी से, मैं खालिद सैफी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मगर ये हर चीज टॉर्चर, जब आपकी पिटाई हुई है उसके बाद आप घर में 3 महीने बात नहीं कर पाए हैं, और आपके घर वालों को पता है कि आपके साथ और ज्यादा आसार है पुलिस कस्टडी लेके, उस कहां से होगी क्या होगी हमें नहीं। इसके साथ साथ मैं ये गिनाना चाहूंगी कि सीए प्रोटेस्ट की तो हम बात कर रहे हैं, उसके साथ जो दंगे हुए थे फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में, जब वो दंगे हो गए और लॉकडाउन उसके बाद जब घोषित हो गया मार्च में,
31 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के अंडर है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को एक लेटर लिखा कि लॉकडाउन हो चाहे जो हो, आप कंटिन्यू मेकिंग अरेस्ट, दैट वाज द, वो लिखा हुआ था चिट्ठी में। इसका मतलब ये है कि चाहे चाहे आपको पता चल रहा है, चाहे आप लॉकडाउन में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं, आप लोगों को अरेस्ट करते रहे। इसके दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। अभी तक 4000 अरेस्ट दिल्ली पुलिस कर चुकी है और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट्स थे, जिनके घर जलाए गए, जिनके घर में मारपीट हुई, जिनके घर के लोग मरे, वो कंप्लेनेंट्स थे। कंप्लेनेंट्स को ही उन्होंने दोषी करार करके अरेस्ट किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अभी हुआ था जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस को गई थी, तभी यूएन ने ये भी कहा था, यूएन ने सारे कंट्रीज को ये कहा था कि सबसे पहले आप जेलों को डीकंजेस्ट करिए। बहुत सारे लोगों ने माना था, बहुत सारे देशों ने मांगा था, बजाय हमारे देश के, तो इस टाइम को ऐसे इस्तेमाल किया गया। साथ में ये भी बताना चाहेंगी, जैसे सफूरा की बात आई और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया उनकी बात आई, एक बहुत सारा पैटर्न ये कोविड लॉकडाउन के अंतर्गत इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले भी हो चुका है, मगर कोविड के लॉकडाउन में वो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। इस तरीके से कि जितने भी लोगों को एक तो अरेस्ट किया गया, उनको पुलिस की, उनको अपने लॉयर्स के साथ बातचीत करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, और जैसे ही खुदा ना खास्ता जिस तरीके से उनका, जैसे ही उनको बेल होती है किसी सामान्य केस में, वैसे ही उन पर ड्रकोनियन लगा दिया जाता है। तो यूएपीए एक बार जब आपके ऊपर लगा दिया जाता है तो आपका रिलीज और भी ज्यादा मुश्किल का हो जाता है। और पैटर्न देखा गया है कि इंडिया में भी करीब 40,000 लोगों को कोविड के अंतर्गत अंडर ट्रायल्स को छोड़ा है इंडिया ने, मगर जो केसेस में सेडिशन, यूएपीए, एनएसए और इस तरीके की एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट, जिस जो चार्ज इस्तेमाल किया है, उन लोगों को नहीं छोड़ा गया है। और ये चार्ज सिर्फ पॉलिटिकल डिसेंटर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे ही उनको सामान्य चीजों में बेल मिलती है, उनके ऊपर यूएपीए, सेडिशन और ये सब लगाया जाता है। और सफूरा की तो हमने बात सुनी है, उसके साथ गुलफिशा एक थी, गुलफिशा पर भी जैसे ही उन्हें बेल मिली, उनको, उनपे यूएपीए लगा दिया गया। मीरन हैदर है, जामिया के 3-4 स्टूडेंट्स और भी है, एएमयू के स्टूडेंट्स है। साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये तो दिल्ली और एएमयू जानते हैं, आजमगढ़ में 19 लोग अरेस्ट हुए थे सीएए प्रोटेस्ट में करने के लिए। जैसे ही उनपे, उनको उनपे केस लगे, उन्होंने बेल की दरख्वास्त करी, तो लोअर कोर्ट में जब बेल की दरख्वास्त करी तो वो रिजेक्ट हो गई, तो उसके लिए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करनी थी। मगर क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और आप आजमगढ़ से इलाहाबाद उस टाइम नहीं जा सकते थे, इसका मतलब आपको बेल डिनाइड है। बहुत कारे हमें हमें पता है, मगर ओवरऑल सब जगह पे यही स्थिति चल रही है कि कैसे लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल, रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल रिप्रेजेंटेशन, वर्चुअल कोर्ट्स काम ना करते हुए, ये इन सब परिस्थितियों का बहुत ही बाखूबी इस्तेमाल किया गया है डिसेंट को रोकने के लिए, प्रोटेस्टर्स को चुप कराने के लिए। मैं ये साथ में जब हम स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी, अभी रिपोर्ट आई है 25 मार्च से लेके अभी तक 55 जर्नलिस्ट पर या तो कोई ना कोई अटैक हुआ है, कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत के लॉकडाउन में उन्होंने कोई रिपोर्टिंग करी है। और उनपे भी बहुत सारे ड्रकोनियन लॉज लगाए गए, जैसे कश्मीर में यूएपीए लगाया है फोटो जर्नलिस्ट पर, उसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक करके या एपिडेमिक डिजीज एक्ट इन्वोक कर करके, जो भी कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, जो भी कोई बता रहा है कि ये जमीन पर हो रहा है, कि मजदूर को खाना नहीं मिल रहा है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम नहीं कर रहा है, पीपीई किट नहीं है, या कोविड-19 की टेस्टिंग नहीं हो रही है, बहुत ही छोटी सी चीज जो हम, बहुत ही बेसिक रिपोर्टिंग है, कोई खुलासा नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, बहुत ही बेयर मिनिमम जो हर जर्नलिस्ट को करना चाहिए, उसको भी किसी तरीके से सरकार ने क्रिमिनलाइज कर दिया है।